दिल्ली के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के खयाला इलाके में किशोर की डेड बॉडी मिलने के बाद सनसनी फैल गई। किशोर की डेड बॉडी पर चोट के निशान पाए गए हैं, जबकि चेहरा बिगाड़कर उसकी पहचान मिटाने की भी कोशिश की गई है। हैरत इस बात की है कि जिस स्थान से किशोर की लाश मिली है वहां से पुलिस बीट बॉक्स महज 20 मीटर की दूरी पर है। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। दरअसल खयाला इलाका निवासी नाबालिग नितिन पिछले 3 महीने से गायब था। गत दिवस आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि पुलिस बीट बॉक्स से चंद कदमों की दूरी पर स्थित पार्क में एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। ये सुनकर पुलिस के होश पाखता हो गए और आनन फनन में मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई तो उसकी पहचान इलाका निवासी नितिन पुत्र शिवा के रूप में हुई। सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतक के पिता शिवा की आंखों से पानी बह निकला, जिसने बताया कि उसका बेटा गलत संगत में पड़ गया था, शायद इसी वजह से उसकी यह हालत हुई है। 3-4 महीने से गायब था गर्लफ्रेंड। 3-4 महीने से गायब था लड़का? हाँ जी। तो आपने कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं, ये कुछ नहीं कराया था। क्यों? ऐसे ही नहीं कराया था, मैं वो आवारा घूमने लग गया, समय के साथ घूम रहा था, तो मैं क्या करता उसके लिए। कितने साल का बच्चा था? 12-13 का बीच में। आज जानकारी कैसे मिली? जानकारी घर पे कोई बंदा गया, किसी ने बताया, तब मैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है, आपको किसी पे शक है? नहीं, मेरे किसी पे शक नहीं है। आपको लगता है कि बुरी संगत की वजह से ऐसा? हाँ, जहाँ तक है बुरी संगत से ही हो गया है। चश्मदीद अमन ठाकुर के मुताबिक बच्चे के सर पर चोट के गहरे निशान थे और डेड बॉडी का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश भी की गई थी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना से पहले भी लूटपाट छीना झपटी की घटनाएं अक्सर यहां पास में होती हैं। ये हाल तब है जब एक बीट बॉक्स बना हुआ है, लेकिन पुलिस वाले सही ढंग से ड्यूटी नहीं देते, बल्कि उल्टा लोगों को ही परेशान करते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ कैमरे लगे हैं, उसको लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं कि ये कैमरे अधिकतर समय बंद ही रहते हैं, जिससे कई आपराधिक घटनाओं के बारे में सुराग नहीं मिल पाता। कैमरे बंद पड़े रहते हैं यहाँ पर चौकी पास में, और आपको पता है यहाँ क्या हुआ है? कैमरे कहाँ पर लगे हुए? ये लगे पड़े दोनों पिल्लर पे लगे पड़े, कैमरे भी चालू नहीं है इनके, वो लगे पड़े कैमरे कहाँ पर लगे? चौकी पर लगे हुए हैं कैमरे, चौकी के अंदर ही। अच्छा, ये कैमरे भी बंद पड़े हैं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। पैसे देते हो छोड़ देंगे, ऐसी है, पैसा तो पैसा का चढ़ावा, जो भी है जो हकीकत है, जो बात अंकल जी सच्ची सच्ची है। क्या चलते फिरते बंदों को फोन छीन लेते हैं मिनट में? कोई आंटी आ रही है जॉब से, कोई भाई जा रहा है, फोन छीना गायब। चौकी के सामने ऐसे काम हो रहे हैं तो फिर क्या फायदा जी चौकी का? कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है भाइयों। इससे बड़े तमड़े करते हैं पुलिस वाले, इक्का दुक्का पुलिस वाला होया तो होया, नहीं से वो भी नहीं होता। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अपने घर से 3 महीने से गायब बच्चे की लाश वहां क्यों मिली और किसने उसका मर्डर किया।